गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ तनवी फ्रॉम एवरेस्ट क्लासेस। आज 12 फरवरी 2018 के हिंदी ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। हम लोग जो है इसमें एसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को रख करके सारे हम लोग ने लेक्चर रेडी किया है। इस लेक्चर को हम लोगों ने चार पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ वोकैबुलरी, द हिंदू ट्यूटोरियल एंड द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन विद 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो हिंदू ट्यूटोरियल के ही हैं, 5 यूनियंस एंड फ्रेजेस एंड द राइटिंग सेक्शन दैट वी विल गिव यू द एसे राइटिंग टॉपिक। And coming to the first session, first phase, that is our Hindi tutorial vocabs. And the first word that we have today is nutrition, means portion. ये एक noun है and the meaning is food or nourishment. जिस तरह से nourishment या फिर proper एक balanced diet जिस तरह से जो होते हैं वो हम लोग जो पहुँचाते हैं अपने citizens को या फिर जिन एक person, अगर single person की भी बात करें तो ताकि उनका जो है अच्छे से development हो पाए, अच्छे से growth हो पाए, तो उन चीज़ों को हम लोग उस वर्ड को हम जो सिचुएशन वर्ड को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड द सिनोम्स आर न्यूट्रिमेंट्स, सस्टेनेंस, गर्ब, विटर्स एंड व्यंट्स। एंड द एग्जाम्पल आर इज द चाइल्ड वॉज नॉट रिसीविंग सफिशियंट न्यूट्रिशन। एंड द एंटीनोम्स आर डिप्रिवेशन, माल न्यूट्रिशन एंड स्टार्वेशन। द सेकेंड वन इज आउटकम्स, मीन्स परिणाम। एंड इट इज़ अ नाउन एंड द मीनिंग इज द वे अ थिंग टर्न्स आउट, अ consequence means parinam, result. And the synonyms are result, aftermath, conclusion, denouncement, offshoot. And the antonym is antecedent, causations, occasion. And the example is it is the outcome of the vote that counts. Coming to the third word, that is neonatal, means navjat. जो न्यू बॉर्न जो बर्थ होते हैं, जैसे ही नए जो जो जन्म होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ वगैरह को जो है हम लोग जो है वो न्यू नैटल बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज रिलेटिंग टू न्यू बॉर्न चिल्ड्रेन और अदर मेम्बर्स। एंड द सिनोम्स आर नेसेंट, इन्फेंट, कैलो, emergent and newness. And the antonym are grown up, adult. And the example is special attention is given to mortality in the neonatal period. And the fourth one is mortality, means mrityudar. Ek noun hai and the meaning is death, especially on a large scale. And the synonyms are death, loss of life, dying, fatality, extinction. And the example is the causes of mortality among infant and young children. And the antonyms are immortality, birth, inhumanness. And the fifth one is remedial, means upcharatmak. Ye ek adjective hai and the meaning is a remedial action is intended to correct something that is wrong or to improve a bad situation. And the synonyms are mitigate, ameliorate, palliate, rectifying, corrective. And the antonyms are harmful, injurious, damaging. And the example is to take urgent, immediate remedial action. And the sixth one is incremental, means vriddhishil. आप देखेंगे प्रोग्रेसिव होता है, ग्रेजुअली अगर किसी चीज़ में इंक्रीज करता हूँ तो उसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल। ये एक एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन इंक्रीज और एडिशन, स्पेशली वन ऑफ अ सीरीज ऑन अ फिक्स्ड स्केल। एंड द सिनोम्स आर एक्यूमुलेटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रेजुअल, एक्सक्रेटिव, एक्रेटिव। And the example are incremental changes to the current system. And the antonyms are decremental, degressive and decreasement. Coming to the seventh one, that is immunization, means pratiraksha. आप इम्यून वर्ड को सुनेंगे, उसी से एक ये नया वर्ड बना है इम्यूनाइजेशन। द इम्यून इज द रूट वर्ड एंड इट इज़ अ नाउन एंड द मीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अ पर्सन और एनिमल फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज बाय पुटिंग अ सब्सटेंस इनटू द बॉडी दैट मेक इट प्रोनाउंस एंटीबायोटिक। मीन्स आप वैक्सीनेशन वगैरह देखते हैं तो उससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका इंक्रीज करता है, मीन्स आपके जो है रोग प्रतिरक्षा जो है वो आपके इंक्रीज करते हैं, जिसे हम लोग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। एंड एग्जांपल इज इम्यूनाइजेशन गिव्स पीपल द एबिलिटी टू रिजिस्ट इन्फेक्शन टेम्पररली और परमानेंटली। एंड द सिनोम्स आर एंटीबॉडी, वैक्सीनेशन, टॉलरेंस, इंटरफेरन एंड एंटी वैक्सर। एंड द एंटीनोम्स आर इन्फेक्शन एंड रिस्क। एंड द एट्थ वन इज पैरामीटर्स, मीन्स मापदंड। एंड द इट इज अ नाउन एंड द मीनिंग इज अ लिमिट और बाउंड्री विच डिफाइंस द स्कोप ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस और एक्टिविटी। एंड द सिनोम्स आर फ्रेमवर्क, स्पेसिफिकेशन, लिमिट, बाउंड्री, क्रिएशन। एंड द एंटोनम्स आर लिमिटलेस एंड कॉमन। एंड द एग्जाम्पल इज द पैरामीटर विद इन विच द मीडिया वर्क।
Coming to the next one, that is rigorous means karai se. It is adjective and the meaning is extremely thorough and careful. And the synonyms are meticulous, punctilious, consistentious, diligent and attentive. And the example is the rigorous testing of consumer products. And the antonyms are slapdash, indulgent and lenient. And the last one is that is reliance means asra. It is a noun and the meaning is dependence on or trust in someone or something. And the example is saving for a pension reduces reliance on the state. And the synonyms are dependence, dependency, count, bank, leaning on. And the antonym are independency, self-sufficiency and self-support. Coming to the next section, that is our Hindu editorial section. Today's आज जो हैं वो आपके नीति आयोग द्वारा हेल्थ इंडेक्स जो आया है उस पर उसके रिगार्डिंग ही आपके एडिटोरियल हैं. आपके हेल्थ जो हैं इंडेक्स इशू किए गए हैं वो नीति आयोग WHO और आपके जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर जो हैं उन तीनों का जो है तीनों ने मिलकर इस चीज़ को जो है वो दिया है हेल्थ इंडेक्स दिया है और उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की गई हैं तो किस तरह से हमारे यहाँ के कंडीशन जो हैं वो होते जा रहे हैं और किस तरह से अप्रोच हम लोग करेंगे ताकि इन चीज़ को जो है वो अच्छे आउटकम्स जो हैं इसके आ सकें. तो आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट्स विथ अ रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिटरेसी न्यूट्रिशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर हैव अचीव्ड हाई स्कोर्स इन द नीति आयोग्स फर्स्ट हेल्थ इंडेक्स. यानी कि जो स्टेट जो हैं वो लिटरेसी में न्यूट्रिशन में या प्राइमरी हेल्थ में अच्छे स्कोर्स अचीव कर पाए हैं वही इस सारे इंडेक्स में जो है दिए गए हैं. और जो बेस्ट परफॉर्मिंग जो आपके स्टेट्स रहे हैं वो हैं केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु. और उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा की और मध्य प्रदेश की तो ये सब जो हैं वो हेल्थ इंडेक्स में अच्छे जो हैं वो पोजीशन पे या अच्छे स्कोर वो नहीं कर पाए हैं. अगर हम लोग जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है बीइंग एबल टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओवर द कमिंग डिकेड डिपेंडिंग क्रूशियल ऑन द स्टेट्स परफॉर्मेंस. आप जानेंगे कि 2015 से लेकर के 30 तक जो है वो अच्छे हेल्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो फोकस किया गया है. अगर अपकमिंग डिकेड्स में अगर हम इसे अचीव करना चाहते हैं तो स्टेट्स के परफॉर्मेंस पे भी हम लोग को जो है वो ध्यान देने होंगे उसी के रिस्पेक्ट में जो है हमारे यहाँ जो है वो आउटकम्स अच्छे आएंगे तो यही देखा गया है इस चीज़ में बताई गई हैं. द इंडेक्स विथ ऑल इट्स लिमिटेशन गिवन अन इवेंट डेटा जो अवेलेबिलिटी है उनको बताई गई हैं होप्स टू मेक अ डिफरेंस हेयर बाय इंकरेज करने के लिए कम्पटेटिव इंकरेज करने के लिए ताकि बेटर आउटकम्स हो सके. यानी कि जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन किया गया इस तरह के जो इंडेक्स लाए गए रेटिंग की गई है वो इसलिए की गई हैं ताकि जो भी स्टेट्स हैं वो अपने कमियाँ देखें और उस पर वर्क करें कम्पटेटिव लेवल पर और उसके आउटकम्स जो है वो अच्छे आएंगे. सिर्फ अगर उड़ीसा से कंपेयर किया करते हैं उत्तर प्रदेश को अगर उड़ीसा से कंपेयर करते हैं तो उड़ीसा जो है टू ब्रिंग डाउन इन न्यूट्रल मॉर्टेलिटी रेट यानी कि जो आपके नवजात की जो मृत्यु दर है उनको अगर देखें तो 1000 में जो है वो 35 हैं. तो ये सारी चीज़ें ईजिली जो हैं बहुत क्लेरिफाई कर दी गई हैं और किस तरह से कंपेटिटिव लेवल पर लाया गया है ताकि इसके जो है वो आउटकम्स आ सकें. यहाँ हम देखेंगे अ डोजन स्टेट्स विथ सेमफुल अंडर 5 मॉर्टलिटीज रेट्स ऑफ द ओवर 35 पर 1000 लाइफ्स वर्थ जो मैंने अभी बताए वो इतने हैं कि वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेमफुल हैं. स्पेशली व्हाट द इंडेक्स शोज़ फॉर द बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स सच एज केरला तमिलनाडु में इज दैट देयर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हैव ओवरऑल जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हुए हैं लेफ्ट लिटिल रूम टू द नॉच ऑफ द हाई इंक्रीमेंटल स्कोर्स बट इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटीज जो है नीड टू बी एड्रेस. लेकिन वहाँ पर भी जो है वो फोकस करने की बात कही गई है. हम लोग बात करें कि अब यूनियन बजट जो हमारा आया है 1 फरवरी को उसमें देखेंगे पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े हेल्थ जो हैं फिनेंस जो है के रूप में वो सामने आया है. हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम्स वगैरह आई हैं जो अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये स्कीम आया है जिसमें HIV या फिर आप ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो उससे जो अफेक्टेड पर्सन हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी. उन्हें जो है एक लार्ज अमाउंट जो है उनके सेक्शन में डाला गया है ताकि उससे जो है उनका जो है वो ओवरकम आउटकम्स जो है
ओवरकम हो सके और आउटकम्स हमारे यहाँ अच्छा रहे. अगर दो तीन दो ट्विन इम्परेटिव्स जो हैं वो यहाँ पे फोकस किए गए हैं, एक है आपका फैसिलिटी और दूसरा है आपका ट्रीटमेंट. अगर आप जो है फैसिलिटीज़ जो हैं अगर पीपल्स तक आप अच्छी खासी पहुँचा रहे हैं, अगर ट्रीटमेंट्स उन तक अच्छी खासी पहुँच रही हैं, तो ये जो डेटा है वो और भी बेटर रूप में आउटकम्स के रूप में हमारे सामने आएगा. तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस की गई हैं. नीति आयोग जो है वो पॉइंट आउट की है अदर डेटा ऑन अदर की एस्पेक्ट्स सच एज अ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे मेंटल हेल्थ, गवर्निंग सिस्टम, फिनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, लैक टू द इंटीग्रिटी टू द फॉर्म पार्ट ऑफ द गुड कंपोजिट इंडेक्स. ये सारी चीज़ें उसमें अलग अलग तरीके की गई हैं और ये स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर के काम करना होगा. अगर हम लोग इस चीज़ को अगर हम लोग फोकस करते हैं तो नीति आयोग जो है हेल्थ इंडेक्स में मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं हेल्थ वगैरह को, जिससे जो है पॉजिटिव आउटकम हमें दिखेगा. तो ये तो थी आज ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. आप जब इसे गो थ्रू होंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी. हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ जो है हमारे हिंदी ट्यूटोरियल के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टुडे इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड आउटकम्स. एंड द ऑप्शंस आर ए एंटीसीडेंट्स, बी कॉशन, सी ओकेजन एंड डी रिजल्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज डी रिजल्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड ह्यूमनाइजेशन. एंड द ऑप्शंस आर ए एंटीबॉडी, बी वैक्सीनेशन, सी इन्फेक्शन, डी टॉलरेंस. एंड द करेक्ट आंसर इज सी इन्फेक्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड नियोनेटल. एंड द ऑप्शंस आर ए अडल्ट, बी नेसेंट, सी इन्फेंट, डी कैलो. एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ए अडल्ट. Coming to the next question, that is the sentences given with the blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question, and the question is at healthcare dash not a mainstream political issue in India and hardly influences electoral result. And the options are A R, option B is, option C was, option D were. And the correct answer is option B is. Coming to the next question, that is the sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question, and the question is the a dozen states with shameful under 5 mortality rate dash over 35 per 1,000 lives birth may feel the need for remedial programs. And the options are A off, option B at, option C on, option D off. And the correct answer is option A off. Coming to the next phase, that is our idioms and phrases phase. And the first idioms and phrases that we have today is man in the moon means very rare person. यानि कि बहुत ही rare person अगर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं man in the moon. And the example is Dr. Verma has become a man in the moon these days. And the second one is dead man's shoes means job that one take over from somebody who has left unexpectedly और डाइट. अचानक अगर कोई डेथ कर जाता है या फिर वो जॉब छोड़ देता है उसके जगह कोई आता है उसे हम लोग बोलते हैं डेड मैन्स शूज. एंड एग्जांपल इज ही गॉट अर्ली प्रमोशन बाय स्टेपिंग इनटू डेड मैन्स शूज. एंड द थर्ड वन इज टू मीट द ईयर मींस टू बी ऑडिबल, सुनने लायक. एंड एग्जांपल इज योर आर्गूमेंट हैज मेड द ईयर ऑफ द हायर अथॉरिटी. एंड द फोर्थ वन इज टू मीट वंस मैच मींस मीनिंग टू मीट समबडी हु हैज सच मच स्किल डिटर्मिनेशन इट इज एज वन सेल्फ एंड परहैप्स मोर. ऐसी चीज़ें जो आपके पास भी हैं किसी से मिलते हैं जो स्किल डिटर्मिनेशन या फिर जो है वो अच्छी होती हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं टू मीट वंस मैच. एंड एग्जांपल इज ही थाउट हिमसेल्फ अ स्कॉलर इन इंग्लिश बट ही हैज़ मेट हिज मैच नाउ. एंड द फिफ्थ वन इज मिडिल ऑफ द रोड मीन्स एवरेज. एंड एग्जाम्पल इज ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द मिडिल ऑफ द रोड. कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज आवर एसे राइटिंग सेक्शन. एंड द टूडेज एसे टॉपिक इज नीति आयोग. प्लीज़ आप नीति आयोग के बारे में जानेंगे. नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस की है. कब आई है वो 2015 में आई थी, 2000 में. किस तरह से फंक्शंस करती हैं, उनके चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसको रेडी करके अपने आंसर 10 लाइंस या फिर 250 वर्ड्स में रेडी करके आप जो हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें. अगर इस चीज़ों से जो भी टॉपिक आपको मिलती है अगर उसको प्रॉपर आप अगर आप कंटेंट रेडी कर लेते हैं या फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं तो किसी भी वीडियो या इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो आप इजीली उसे हैंडल कर पाएंगे. और प्लस राइटिंग जब आप लिखते हैं इसे ऐसे को तो आपके राइटिंग स्किल भी डेवलप करते हैं. एक नोट है तो प्लीज़ आपके स्क्रीन पे इस लेक्चर के दौरान जो एडिटोरियल आते हैं प्लीज़ उसे तेज पढ़ें, रीड लाउड करें, पॉज करके रीड लाउड करें, जिससे आपके प्रोनंसिएशन और जो है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे. अगर किसी
वर्ड्स में अगर आपको प्रॉब्लम होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम लोग उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ 7 डेज के फ्री डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं एसएससी बैंक के लिए, तो सुबह 8 से 10 चलती हैं, तो आप हमें इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोरिंग रोड पटना, एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोरिंग रोड पटना, एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन 7279845076, 7279845076 एंड 7004154803, 7004154803। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एवरेस्ट क्लासेस फॉर लेटेस्ट अपडेट।